ये समझ नहीं आया क्या। देखें यार, अचानक ही दोनों केजेस, मतलब ये तो मैंने अब खुला हुआ है, पहले ये बंद था कल को इस तरह। और ये कहाँ से लवर्ड्स हमारे बाहर आए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग होल, यहाँ से हमारे लवर्ड्स जो है ना कल को बाहर आए हैं। मैं बड़ा देखता रहा कि हमारे पैरट्स बाहर क्यों घूम रहे हैं, हालांकि केज का दरवाज़ा भी बंद है। तो बाद में मेरी नज़र पड़ी इस होल के ऊपर, तो पता चला कि हट जाओ। यार सारे डॉग इंतज़ार में बैठे हैं दाने के, अभी इनको आके मैं दाना भी डालता हूँ। चलो ऐसे यहाँ पे चिपके हुए हैं सारे के सारे, यहीं घूम रहे हैं। ये देखें आप लोग देख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो यार इनको तो दाना पानी हमने डाल दिया है, लेकिन यार हमारी आइवरी के अंदर ना एक मसला हो गया है। मसला क्या हुआ है कल को दोस्तों, क्या हुआ क्या, जैसे ही मैं आइवरी के अंदर गया ना, हमारे जो नीचे वाले लवर्स थे ना, जो नीचे वाले केज के अंदर हमने जिनको रिलीज़ किया हुआ था, वो आज़ाद हो गए, वो केज से बाहर निकल आए। शुक्र यार उस केज को हमने बाहर नहीं रखा हुआ था, अगर वो बाहर होता ना तो हमारे लवर्स यकीनन उड़ जाते। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ से तो नज़र नहीं आएंगे। चले अंदर चलते हैं और आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। मुर्गियाँ शुर्गियाँ डक्स वगैरह मैंने अपनी खोल दी हैं, इनको दाना शाना जो है वो भी डाल दिया है, तो इंशाल्लाह ये लोग को खाते रहेंगे दाना वगैरह। अभी हम अंदर जाते हैं और जाके मैं कपड़ा भी पकड़ लेके आया हूँ साथ, इनको हमने पकड़ के आज केज के अंदर वापस छोड़ना है। और वो जो सुराख खुला हुआ है ना, उस होल को भी हमने बंद करना है, वरना तो हमारे पैरट्स ही रोज़ रोज़ बाहर आ जाएंगे। अगर मैं उनको पकड़ने में लगा रहूँगा तो हमारे सारे पैरट डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये पैरट्स देखें यार कहाँ पे चिपके हुए हैं, जहाँ पे इतना बड़ा इन्होंने होल बनाया है ना वहाँ पे लगे रहते हैं। और आप लोगों को मज़े की बात ही बताऊँ कि यार हमारे जो फिशर लवर्स का जो केज है, उसकी कल में तार लगाना भी भूल गया था यार, और वो केज भी खुला रहेगा और हमारा वो वाला पेयर भी बाहर घूम रहा है। और ये समझ नहीं आया क्या। देखें यार अचानक ही दोनों केज, मतलब ये तो मैंने अब खुला हुआ है, पहले ये बंद था कल को इस तरह। और ये कहाँ से लवर्ड्स हमारे बाहर आए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग होल, यहाँ से हमारे लवर्ड्स जो है ना कल को बाहर आए हैं। मैं बड़ा देखता रहा कि यार हमारे पैरट्स बाहर क्यों घूम रहे हैं, हालांकि केज का दरवाज़ा भी बंद है। तो बाद में मेरी नज़र पड़ी इस होल के ऊपर, तो पता चला कि हमारे पैरट्स यहाँ से बाहर आए हैं भाई। इन्होंने ना इसको कुतर कुतर के जो है ना देख रहे हैं आप लोग पूरा होल बना दिए। तो इनकी मटकी शटकी सब कुछ लगा हुआ है, केज हम खोल देते हैं। और अभी मैं ना एक काम करने वाला हूँ, आप लोगों को तो पता ही हमारे फिशर लवर्ड्स ने जो है ना वो अंडे वगैरह दिए हुए हैं, तो ये इन डिस्टर्ब नहीं मैं इनको करना चाहता, मैंने इसलिए इनकी मटकी निकाल के ना फिलहाल यहाँ पे लगा दी थी कल को। तो मैंने कहा इनकी कल ही सेटिंग वेटिंग करेंगे। तो अली भाई कह रहे हैं कि यार दोनों पेयर जो ये बाहर घूम रहे हैं ना, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें दोनों के दोनों पेयर इस वक्त बाहर एवरी के अंदर रिलीज़ हुए हैं। तो पहला ख़तरा तो ये है कि हमारे बजिस की मटकियों में जाके उनके बच्चों को तंग करेंगे और इनकी टांगें खींचेंगे, सबसे बड़ा मसला तो यही है। और इससे दूसरा ये है कि एवरी के अंदर अगर ये रिलीज़ रहेंगे ना, तो कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, ये अपनी ब्रीडिंग की तरफ फोकस नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं इनको यहाँ से पकड़ने वाला हूँ, और इन पैरट्स को पकड़ के हम दोनों पेयर को नीचे शिफ्ट कर देंगे, और ये वाली जो मटकी है वो भी हम नीचे लगा देंगे। अभी आप लोग देखें कैसे यहाँ पे चिपके हुए हैं सारे के सारे, यहीं घूम रहे हैं। ये देखें आप लोग देख रहे हैं, ये वाली जो मटकी है, अभी मैं इसको उतार लेता हूँ। यार ये मटकी बहुत ज़्यादा भारी है। और ये देखें इनका नेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। इस मटकी को अब देखते हैं कि हमने कहाँ पे लगाना है, यहाँ कहीं पे ना नीचे ही ना रख दें यार इसको, नीचे भी वैसे काफ़ी अच्छा रहेगा, ऊपर लगाने की वैसे जगह तो है कोई नहीं, नीचे रख देते मैं तो कह रहा हूँ। हाँ यहाँ तो कहीं है भाई जगह, नीचे रख देते इसको इस कोने में। बिस्मिल्लाह, ओए चलो 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 ऐसे, ओए स्टिक की उतर गई यार, ये क्या हो गया। तो ये मटकी भी दोस्तों मैंने इनके लगा दी, आप लोग देखें माशाल्लाह सही है, स्टिक वगैरह भी लगा दी। अब काम है तो इनको पकड़ने वाला काम रह गया, दरवाज़ा इसको खुला रहने देते हैं। सबसे मुश्किल काम यही है कि यार इनको पकड़ना है, पकड़ तो मैं लूँगा लेकिन हमारे सारे पैरट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे यार, एक भूकंप आ जाएगा एवरी के अंदर जो है ना। ठीक है अभी चलें, कोई बात नहीं, इनको पकड़ते हैं सबको, सारे बजीस पैरट्स जैसे यहाँ पर आके चिपक गए भाई, तो इनको पकड़ते हैं और यहाँ पर रिलीज़ करते हैं।
और एक फीमेल को तो मैंने पकड़ लिया है माशाल्लाह से। आप लोग देखें किस तरह माशाल्लाह सिंगिंग कर रही है यार, और डर भी नहीं रही। हालांकि मैंने दरवाज़ा इसका खोला हुआ है, देखिए मैं पास इसके बैठा हुआ हूँ, डर के कहीं नहीं जा रही। तो मटकी मैंने लगा दी, एक तो आ गया मेरे हाथ में, तो माशाल्लाह दूसरा पकड़ते हैं और फिर उनको भी यहाँ पे रिलीज कर देते हैं भाई। और ये सुराख भी मुझे बंद करना पड़ेगा। चलो बाकी को पकड़ते हैं। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सारे पैरट्स इस केज के अंदर आ चुके हैं। आप लोग देखें एक फीमेल ये ही, बाकी ये तीनों के तीनों नीचे बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह बड़ी मुश्किल से यार इनको पकड़ा है। सारे पैरट्स जो थे ना वो डिस्टर्ब हो गए थे, फिशर पैरट्स भी हमारे जो थे ना बड़े तंग हो गए यार। और शुक्र है बाकी यहाँ आ चुके हैं इस केज के अंदर। अब मेरी बारी है, तो ये जो सुराख यहाँ पर बना हुआ ना, ये इस होल को मुझे इसको बंद करना है किसी भी तरह, वरना फिर से बाहर आ जाएंगे। चले यार ये काम तो हमारा हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। सब छोड़ जाओ, चलो हट जाओ। यार सारी डब इंतज़ार में बैठी हैं दाने के, अभी इनको आँखों में दाना भी डालता हूँ। चलो शाबाश, पीछे हो जाओ, पीछे। ओए चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये काम हमारा हो चुका है। बड़ी यार एक टेंशन थी, हमारे लवर्स बाहर घूम रहे थे, इधर उधर मुंह मार रहे थे, डर था कि कहीं निकल ना जाए इस एवरी से। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार इस केज से ही निकले और एवरी में ही थे। अगर ये केज बाहर होता ना तो ज़्यादा मसला होता। चलो भाई। हाँ जी भाई, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह यार आज ना दो तीन दिन से जो है ना धूप निकल रही है, आप लोगों को पता है कुछ दिनों से निकल रही है, और मौसम बिल्कुल ठीक है। हल्की हल्की स्मोक भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, लेकिन टेम्परेचर ठीक है हमारे बर्ड्स के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी। बाकी शीट वगैरह लगी हुई है, हमारे बर्ड्स का अंदर का टेम्परेचर यार बहुत ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्त हुआ है। अंदर जाके मुझे ठंड नहीं लगती, बाहर आता हूँ तो थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस होती है। इसी वजह से हमारे बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और इनकी मुझे फिर से जो है ना एक दफ़ा इनको दवाइयाँ शवाइयाँ मैं डाल दूँगा, ताकि जो भी वैसे कोई भी जो है ना बीमार आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, बस ठंड की वजह से थोड़ा सुस्त होकर बैठे हुए हैं। धूप यहाँ तक आ जाएगी दोपहर में तो आराम से जाके बैठ जाएंगे। और हमारे फिशर की जो फीमेल है वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मटकी के अंदर चली गई है, सबसे बड़ी टेंशन ये भी थी एक। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको बस जाएगा। लाइक वाला कर दीजिएगा और हमारे चैनल वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।